वेरी गुड मॉर्निंग गाइज स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचिवर्स में मैं हूँ स्विता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी लाइक एवरी डे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को ऑल राइट right. सो टूडेज़ ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मई आज बाईस मई है और बाईस मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए देखते हैं आगे आज के करंट सीरीज़ में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं सो so, इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ होगा नेशनल न्यूज़ होगा इंपॉर्टेंट डेज़ हो गए स्पोर्ट न्यूज़ होगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंड ऑवरचुरी के क्वेश्चन भी होंगे राइट तो ये सारे आज के टॉपिक uh, हो गए आज के करंट सीरीज़ के नाव आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सारे नज़र को जल्दी से एक नज़र में सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल बायो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी राइट नेक्स्ट है आई ने कोविड नाइन्टीन की टेस्टिंग के लिए कोविशेल्फ होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है कोविशेल्फ होम टेस्टिंग किट राइट नेक्स्ट नेशनल न्यूज हाल ही में यूनेस्को की सूची में छे और भारतीय स्थलों का चयन किया गया है तो ये छे भारतीय स्थल इंडियन साइट कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे नेक्स्ट देखिए हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने हॉस्पिटल बेड के ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत बाहिनी ऐप लॉन्च किया है अमृत बाहिनी ऐप नेक्स्ट हाल ही में सुंदरलाल बहुगुना का निधन हो गया ओके नेक्स्ट देखिए भारतीय नौसेना ने इकतालीस साल तक आई राजपूत नौसेना जहाज को आज से सेवा मुक्त करने की घोषणा की नेक्स्ट न्यूज है मिक्स मार्शल आर्ट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट राइट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी अर्जुन भल्लर है नेक्स्ट है भारत में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में 21 मई को क्या मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस ओके एंटी टेररिज्म डे नेक्स्ट देखिए ओके सो ये सारे आज के न्यूज़ uh, हो गए इम्पॉर्टेंट जिसको आगे हम लोग देखेंगे डिटेल्स में तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से सब्सक्राइब कर लें एंड आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजली मिल सके और राइट गाइज तो चलिए आज का फर, पहला क्वेश्चन है भारत में 21 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मई इन इंडिया ओके तो इक्कीस मई को क्या मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे ओके और ये हर साल 21 मई को मनाया जाता है इस दिन को मनाने के पीछे मोटिव क्या है युवाओं को यूथ को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर करना राइट right? एंड uh, 1991 में 21 मई के दिन ही uh, भारत के फॉर्मर पीएम राजीव गांधी का हत्या कर दी गई थी राइट right? राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी uh, 21 मई को उसी के बाद से जो है इस दिन को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस आ, मनाने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी ओके okay, तो ये भी याद रखिएगा फॉर्मर पीएम राजीव गांधी की हत्या 21 मई को की गई थी 1991 में नाउ आगे बढ़ते हैं एंड यस yes, मई के अब तक के महत्वपूर्ण दिवस ओके सो चलिए इसको मैं आज स्किप करती नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी कौन है फर्स्ट इंडियन ऑरिजन प्लेयर टू विन द मिक्सड मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप राइट तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन भुल्लर अर्जुन भुल्लर ये इंडियन ऑरिजन प्लेयर है यानी भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये चैम्पियनशिप मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट चैंपियनशिप को जीता है ये चैम्पियनशिप ये टूर्नामेंट जो है ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था तो याद रखिएगा अर्जुन मुल्लर ये फर्स्ट इंडियन है फर, आ, पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये चैम्पियनशिप को जीता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं मार्शल आर्ट से रिलेटेड है सबसे पहले मार्शल आर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो मार्शल आर्ट की शुरुआत जो है हमारे ही कंट्री भारत से हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मार्शल आर्ट छऊ लोक नृत्य का आधार है यानी छऊ लोक नृत्य का बेस है तो इसका राइट आंसर होगा पारीखंडा पारीखंडा ये एक मार्शल आर्ट है राइट जिसका बेस छऊ लोक नृत्य है यानी यानी कि ये जो आ, मार्शल आर्ट है इसके मार्शल आर्ट का झलक आपको देखने को मिलता है इस छऊ लोक नृत्य में और ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा लोक नृत्य है भारत का जो मार्शल आर्ट के तत्वों को अपने आंदोलन या फिर अपने झलक में शामिल करता है तो दैट इज छऊ डांस तो याद रखिएगा और ये छऊ लोक नृत्य जो है ये कौन कौन से स्टेट का नृत्य है उड़ीसा उड़ीसा झारखंड एंड वेस्ट बंगाल तो ये तीन स्टेट में आपको ये डांस देखने को मिलता है ऑल राइट right, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस मार्शल आर्ट में तीर धनुष का उपयोग किया जाता है That is, थोड़ा थोड़ा मार्शल आर्ट में तीर धनुष का यूज किया जाता है सगम सगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख है इसका राइट आंसर होगा कट्टू वारसाई कट्टू वरिशाई मार्शल आर्ट है जिसमें आ, जो कि सगम साहित्य में इसका उल्लेख देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आईसीएमआर ने कोविड नाइन्टीन की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है विच होम टेस्टिंग किट हैज बीन अप्रूव्ड बाय आईसीएमआर फॉर टेस्टिंग ऑफ कोविड नाइन्टीन सो इसका राइट आंसर होगा कोविशेल्फ कोविशेल्फ ये नाम दिया गया है आ, टेस्टिंग किट का ठीक है टेस्टिंग किट होम टेस्टिंग किट है ये यानी इस टेस्टिंग किट से होम सेल्फ सॉरी कोविशेल्फ टेस्टिंग किट से आप खुद अपनी जांच कर सकते हैं आप कोविड पॉजिटिव है या नहीं ठीक है तो काफ़ी इजी हो गया है जानना तो ये जो है रिसेंटली आई के द्वारा ये आ, टेस्टिंग किट की होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे आधे देखिए नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी कहाँ हुई थी वुहान में हुई थी पहले Uh, मामले की पहचान नेक्स्ट कोविड नाइनटीन संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा यानी लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा चाइना चाइना के द्वारा रिसेंटली लाइन ऑफ सेपरेशन खींचा गया है माउंट एवरेस्ट पे नेक्स्ट एम्स के डायरेक्टर रणदीप कुलहरिया द्वारा कोविड नाइनटीन पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है टिल वी विन टिल वी विन आप आई थिंक आप सभी को ये बुक जो है आपको याद हो गया होगा टिल विविन किन के द्वारा लिखा गया है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के द्वारा नेक्स्ट है भारत में विश्व के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कब हुई थी तो 16 जनवरी uh, 2021, 16 जनवरी 2021 को लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई थी नेक्स्ट देखिए स्वदेशी कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को, को किसने बनाया है दैट इज भारत बायोटेक आईसीएमआर के सहयोग से बनाया गया है इसे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारतीय नौसेना ने 41 सालों तक किस नौसेना जहाज को आज से सेवा मुक्त करने की घोषणा की है विच नेवी शिप हैज बीन अनाउंस्ड टू बी रिलीव्ड फ्रॉम टुडे बाय द इंडियन नेवी फॉर 41 इयर्स इसका राइट आंसर होगा आईएनएस राजपूत ठीक है आईएनएस राजपूत ये जो आ, नेवी शिप है नौसेना जहाज है इसे मुक्त सेवा मुक्त करने की घोषणा की गई है यानी ये जो सिप है आई एन राजपूत इसे इसकी रिटायरमेंट हो गई है सीधा सीधा ये जानिए ठीक है थीके? तो याद रखिएगा आई एन राजपूत नाउ इंडियन नेवी के चीफ कौन है नेवी चीफ कौन है अभी एडमायरल एडमायरल करमबीर सिंह है एंड एयर चीफ है राकेश कुमार भदौरिया एयर राकेश ओके okay, राकेश कुमार भदौरिया एंड आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे हैं राइट right? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ध्यान दीजिएगा भारतीय नौसेना ने कितने वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष महिला अधिकारियों को युद्ध पोतों पर तैनात किया है तो ये रिसेंट के क्वेश्चन है इंडियन नेवी जो है ये आफ्टर ट्वेंटी थ्री ईयर तेईस साल बाद महिला अधिकारियों को युद्ध पोतों पर तैनात किया है ओके वोमेन uh, ऑफिसर को जो है डिप्लॉय किया गया है युद्ध पोतों पर आफ्टर ट्वेंटी थ्री याद रखेगा नेक्स्ट भारतीय नौसेना मार्च 2021 में अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को किस नाम से कमीशन करेगी दैट इज आई एन एस करंज राइट आई एन एस करंज ये 2000 ये मार्च में ठीक है मार्च में इसकी कमीशन की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा ये तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है ओके okay? नेक्स्ट देखिए भारतीय तटरक्षक बल के बेरे में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है इसका राइट आंसर होगा इंटरसेप्टर सी फोर फिफ्टी फोर राइट इंटरसेप्टर सी फोर फिफ्टी फोर ये एक नया स्वदेशी नौका है यानी जहाज है जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंदुबीरोधी युद्ध को प्रोजेक्ट

तो इसका थीम uh, जो है दिस ईयर थीम ऑफ इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज वी आर वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नेचर राइट ये इस बार का थीम है इस साल का तो याद रखिएगा थीम के साथ साथ डेट ये कब मनाया जाता है 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे राइट आगे बढ़ते है, यहाँ हैं यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन दिए गए हैं विश्व में कुल कितने जैव विविधता तत्व स्थल है यानी

हॉट स्पॉट बोलते हैं एक सेकेंड यहां देखिए हॉट स्पॉट राइट एरिया एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ वैसा एरिया वैसा क्षेत्र जहां पे काफी अधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं तो उस प्लेस को हॉटस्पॉट बोला जाता है हिंदी में तप्त right? स्थल राइट नेक्स्ट देखिए वह क्षेत्र जो जैव विविधता से संपन्न है उसे क्या कहते हैं जैव विविधता से संपन्न है इसका राइट आंसर होगा भूमध्य यानी भूमध्यनियन राइट right? मेडी टेरियन ओके नेक्स्ट देखिए केरल राज्य किस जैव विविधता तत्व स्थल का क्षेत्र है केरल राज्य जो है किस जैव विविधता स्थल का क्षेत्र है इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट जो है ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो कि केरल के रीजन में आता है यानी इनफैक्ट ये छः इंडियन स्टेट के रीजन में आता है दैट इज गुजरात महाराष्ट्र केरल कर्नाटक गोवा ये ये तमिलनाडु ये सारा जो ये वेस्टर्न स्टेट है ये सारा जो रीज़न है ये वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न घाट का एरिया को कवर करता है ठीक है तो और आपको पता होगा वेस्टर्न घाट जो है ये हमारे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है एज अ नेचुरल साइट और तो चलिए आप बताइए कि ये वेस्टर्न घाट को किस ईयर किस ईयर में इंस्क्राइब uh, किया गया था एज नेचुरल साइट इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ओके नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्या है हाल ही में सुंदरलाल बहुगुना का निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थे रिसेंटली सुंदरलाल बहुगुना हैज पॉज अवे ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड सो राइट आंसर इज इन्वायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरण विन्द सुंदर बहुगुना जो थे uh, ये काफी uh, काफ़ी नामचीन व्यक्ति थे आप सभी जानते होंगे काफ़ी नामचीन शख्सियत थे एक महान व्यक्ति थे ये ये पर्यावरण विन्द थे यानी इन्वायरमेंटलिस्ट थे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के ये आंदोलन चलाए थे चिपको आंदोलन राइट चिपको आंदोलन और भी कई आंदोलन आज़ादी को लेकर के शराबबंदी पे या फिर टिहरी बांध के विरोध में आंदोलन किए थे और ये इसके साथ साथ मंदिरों के अनुसूचित जाति के लोगों के प्रवेश को लेकर के भी इन्होंने अपना योगदान दिया था फिर बालिकाओं को शिक्षा दिलाने में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा था तो काफ़ी महान हस्ती थे ये इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है आ, 1981 में 1981 एटी वन में उन्नीस में इन्हें ये जंगलों के कटान पर रोक लगाने की मांग की थी उसको लेकर के के उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था ठीक है नहीं लिए थे और इसके अलावा कई सारे अवार्ड दिए गए जिनमें से एक 2009 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है तो याद रखिएगा इनके समाज हित और पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए आंदोलन से इंस्पायर होकर के बीबीसी जो है बीबीसी ने इन पर एक मूवी भी बनाई है एक्शिंग द हिमालय करके ठीक है फिल्म भी बनाया गया है इनपे तो याद रखिएगा ये सारा पॉइंट कि काफी आ, नामचीन व्यक्ति थे काफी महान हस्ती थे ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है चिपको आंदोलन एंड और... क्या है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे ठीक है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे अभी मैं बताई सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने ही आंदोलन आ, स्टार्ट किया था नेक्स्ट देखिए आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के के अग्रवाल का अड़सठ वर्ष की उम्र में निधन हो गया उन्हें भारत के किस सर्वोच्च पद से सम्मानित किया गया है आईएमए के पूर्व अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर के के अग्रवाल ये भी नाम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए तो इन्हें जो है भारत के पद्मश्री सम्मान जो है भारत का चौथा सबसे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था नेक्स्ट देखिए केरल राजनीति की आयरन लेडी एवं राज्य की पहली राजस्व मंत्री एक सौ दो वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका नाम क्या था केरल राजनीति की आयरन लेडी कौन थी के आर अम्मा, राइट नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया उनका नाम क्या था तो चौधरी अजित सिंह ओके राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष थे नेक्स्ट देखिए हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया तो इनका नाम था मानस विहारी वर्मा ये साइंटिस्ट थे ओके okay? और इनकी इम्पोर्टेंट रोल रही थी फाइटर जेट तेजस को बनाने में ठीक है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट अविचर हो गए रिसेंट के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट देखिए क्या है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में यूनेस्को की सूची में कितने और भारतीय स्थलों का चयन किया गया है रिसेंटली हाउ मेनी मोर इंडियंस डेस्टिनेशन हैव बीन सिलेक्टेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को ओके सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में छः इंडियन प्लेस को छः भारतीय स्थलों को रिसेंटली शामिल चयन किया गया है ठीक है सेलेक्ट किया गया तो ये छः प्लेस कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए दिए गए हैं सबसे पहले सतपुरा टाइगर रिजर्व सतपुरा टाइगर रिजर्व ये कहाँ है मध्य प्रदेश में है इसे सेलेक्ट किया गया है दूसरा है आइकोनिक रिवर फ्रंट ऑफ हिस्ट्रिक सिटी ऑफ वाराणसी यानी वाराणसी का जो गंगा घाट है उसे सिलेक्ट किया गया है नेक्स्ट देखिए हीरा बेनकेल ही, हीरे बेंकल मैगालिथिक साइट ये साइट जो है ये कर्नाटक का है कर्नाटक में लोकेटेड है इसे सिलेक्ट किया गया है फोर्थ वन इज मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जो है ये महाराष्ट्र का मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जिसे सिलेक्ट किया गया है फिफ्थ वन इज भेरा घाट ठीक है भेरा घाट ये भी महाराष्ट्र के सॉरी मध्य प्रदेश के जबलपुर का ये साइट है ये भेरा घाट जो है एमपी में है मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये लोकेटेड है भेरा घाट नेक्स्ट देखिए सिक्स वन इज टेम्पल ऑफ कांचीपुरम टेम्पल ऑफ कांचीपुरम कांचीपुरम में बहुत सारे टेम्पल है ग्रुप ऑफ टेम्पल है उसको सेलेक्ट किया गया है तो ये कांचीपुरम ये कहाँ लोकेटेड है ये ये भी लोकेटेड है यहाँ आपका तमिलनाडु में ठीक है तमिलनाडु का कांचीपुरम ओके तो ये छः स्थलों को जो है ये अभी विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में ठीक है विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है हालांकि देखिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय भारत सरकार के द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल कराने के लिए नौ स्थानों को नौ स्थानों का नाम दिया गया था जिसमें से ये छः को सिलेक्ट किया गया है इन इस ये छः स्थानों की स्वीकृति मिली है इन विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में ठीक है नाव ये जो छः स्थान है इसको इंक्लूड करते हुए भारत से जो टोटल नाम दिए गए थे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के संभावित सूची में ये टोटल अब हो गए हैं फोर्टी एट ठीक है इसको इसको इंक्लूड करते हुए टोटल फोर्टी एट भारतीय स्थल है, जो कि विश्व धरोहर स्थल के संभावित सूची में शामिल है, ओके okay? देखिए 2019 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी भी प्लेस को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए पहले उसको संभावित सूची में रखा जाता है यानी पहले उसको संभावित संभावित स्थलों की सूची में शामिल किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक में वही लोग खेलते हैं जो पहले ओलंपिक क्वालिफायर में खेलते हैं यानी क्वालिफायर में क्वालिफाई होते हैं फिर ओलंपिक में खेलते हैं सिमिलरली पहले इन स्थलों को जो है यूनेस्को की विश्व की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया जाता है ऑल right? तो ये छह स्थल है जिसे शामिल किया गया है अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2020 में 2020 में मध्य प्रदेश का ग्वालियर ग्वालियर एंड ओरछा जो है ओरछा सिटी उसको शामिल किया गया था और ओरछा जो ओरछा एक स्थान है जहाँ पे भगवान राम की पूजा राजा राजा के रूप में की जाती है राइट इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद अहमद अहमदाबाद सिटी को यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सिटी घोषित किया जा चुका है तो टोटल 48 भारतीय स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल शामिल की गई है ओके okay? एंड बात करें भारत में टोटल अभी विश्व धरोहर स्थल कितने हैं हैं तो होगा राइट नाउ आगे बढ़ते एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे आते हैं देखिए क्या दिया गया है इसी से रिलेटेड है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी सिक्सटीन नवंबर इन नाइनटीन फोर्टी फाइव उन्नीस सौ पैंतालीस में सोलह नवंबर को इसकी स्टेब्लिशमेंट की गई थी इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है नेक्स्ट देखिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्तमान में कितने स्थल हैं यूनेस्को सॉरी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्तमान में कितने स्थल हैं तो थर्टी एट यानी भारत के ठीक है भारतीय स्थल टोटल थर्टी एट है यूनेस्को की सूची में कितने स्थल सम्मिलित है यूनेस्को की सूची में कितने स्थल सम्मिलित है तो फोर्टी एट यानी संभावित सूची में टोटल फोर्टी एट स्थल शामिल है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जुड़ने वाला भारत का पहला स्थल कौन सा है दैट इज अजंता केव राइट अजंता केव जो जिसे कब किया गया था शामिल नाइनटीन नाइनटीन में नाइनटीन में राइट 1983 में अजंता केव को वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था ठीक है ये अजंता केव कहाँ लोकेटेड है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में और ये एक बुद्धिस्ट केव है राइट बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट केव मोन्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं अजंता में एंड सेम सेम ईयर जो है उन्नीस में एलोरा केव अजंता के साथ एलोरा केव को भी आ, इंस्क्राइब किया गया था एज अ कल्चरल साइट और एलोरा केव जो है ये एलोरा केव ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और ये तीन रिलीजन हिंदुज्म बुद्धिस्ट और जैन तीनों से रिलेटेड है यहाँ यानी यहाँ पे आपको हिंदुइज्म बुद्धिस्ट और जैन तीनों के मॉन्यूमेंट्स अजंता एलोरा केव में देखने को मिलते हैं ठीक है नाउ दुनिया भर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भारत जो है कितने स्थान पर है तो इसका राइट आंसर क्या होगा सिक्स ओके okay, आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉस्पिटल बेड के ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट हैज द अमृत वाहिनी ऐप फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ हॉस्पिटल्स बेड ओके सो राइट आंसर इज झारखंड झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अमृत वाहिनी ऐप याद रखेगा नेम इसे लॉन्च किया गया है फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ हॉस्पिटल बेड हॉस्पिटल्स बेड ओके हॉस्पिटल बेड को बुकिंग करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के सीएम uh, कौन है यहाँ पे आप देख रहे हैं झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन एंड द्रौपदी मुर्मू यहाँ के गवर्नर है ऑल नाउ right. आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिए गए हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड 19 रोगियों के नियमित निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है तो हिट कोविड ऐप ये लॉन्च किया गया है बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए थावरचंद गहलोत द्वारा दिव्यांगों के लिए कौन सा ऐप जारी किया जाएगा इसका राइट आंसर है सुगम्य भारत ऐप जिसे लॉन्च किया गया है थावरचंद गहलोत के द्वारा नेक्स्ट हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया दैट इज़ डाक पे डाक पे जो है ये मोबाइल ऐप ये मोबाइल एप्लीकेशन ये इंडियन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा कस्टमर को डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया गया था नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इंग्लिश का उच्चारण सुधारने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया दैट इज इंग्लिश प्रो इंग्लिश प्रो ऐप को लॉन्च किया गया है इंग्लिश uh, के प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है तो ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप जो है ये uh, किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया दैट इज दादर नागर हवेली एंड एंड दमन दीव ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था क्या था विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है इज वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो इसका राइट आंसर होगा बीस मई बीस मई को वर्ल्ड बी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और रिया रियांजलि अग्रिता कुमारी एंड मनीष मित्तल के द्वारा इसका राइट आंसर दिया गया है सो वेल डन आगे आपके लिए आज का न्यू क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन ऑफ द हाल ही में पुनर्निर्धारित एशिया कप टी ट्वेंटी को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश के द्वारा की जानी थी द रिसेड्यूल्ड एशिया कप टी ट्वेंटी हैज बिन पोस्पोन इनडेफिनेटली द टूर्नामेंट वाज सपोज टू बी होस्टेड बाय विच नेशन सो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए इंडिया ऑप्शन बी बांग्लादेश ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी श्रीलंका तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या है ओके okay? सो है वी कम्प्लीटेड आवर टू डेज सेशन आज का करंट सीरीज यहाँ पे समाप्त होता है आई होप आप लोग को आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए लोगों में ओके okay? चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए घर पर रहिए सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए जय हिंद